हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूं। तो आज मैं गाजर के बारे में बताना चाहता हूं, गाजर कैसे लगाई जाती है। तो सबसे पहले इसकी मैं ग्रो बैग के बारे में बात कर लूँगा। ये मास मेरे पास देखें, ये 12x18 का ग्रो बैग है। आप चाहे तो इससे बड़ा साइज ले सकते हैं, लेकिन कम से कम ऊँचाई इसकी 12x होना चाहिए। 12 ऊँचाई यानी 1 फीट होना चाहिए, 12 इंची होना चाहिए, और डायमीटर इसका चाहे जितना बड़ा ले लें। तो मैं आज इसी में लगाऊंगा। ये देखें, मैंने पुराने जो हमारा किचन वो था, पुराने गमले में जो ये लगी हुई थी नरी, तो ये मैं इसकी घास वगैरह सब इसी में डाल दूँगा। तो दोस्तों, वीडियो में अगर पहली बार हैं देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास नए जो वीडियो आएँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएँ। तो चलें, मैं आपको मिट्टी बनाना सिखा दूंगा। तो देखें, ये हमारे पास मिट्टी, ये पुराने गमले की मिट्टी है। मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट ऐड कर दिया है। और इसमें मैं क्या ऐड करूंगा, तो देखें, ये सरसों खली है। सरसों खली देख लें, ये बारीक से सरसों खली आप ले लें और इसको आप मिट्टी में डाल दें। ये दोस्तों नाइट्रोजन का काम करेंगी। तो इस प्रकार मैंने पहले इसमें डाला है, और वर्मी कंपोस्ट मैंने दोस्तों पहले डाल दिया है। और दोस्तों, इसमें मैंने थोड़ा से ऑर्गेनिक, देखें ऑर्गेनिक DAP है, इसको मैं डाल दूंगा थोड़ा से। और दोस्तों, मैं इसमें पोटाश भी डालूंगा। हमारे पास ये पोटाश है, देखें, तो हम पोटाश भी थोड़ा डाल देंगे। ज़्यादा मात्रा में ही डालना है, ये थोड़ा सा पोटाश भी डाल दें। ये हमने इस प्रकार मिट्टी इसको तैयार करना है। तो दोस्तों, ये हम दिसंबर में इसे लगा रहे हैं। आप जो है सितंबर से दिसंबर तक लगा सकते हैं दोस्तों, तो बहुत अच्छे तरीके से ये गाजर हो जाती है। तो आप मिट्टी को मिक्स कर लें, मिट्टी को मिक्स कर लें। उसके बाद दोस्तों, हमें क्या करना है, मैं एक नया और तरीका बताऊंगा। देखिए, हमारे पास ये किचन वेस्ट है, तो किचन वेस्ट को मैं फेंकता नहीं हूँ, मैं तो सीधा जो है इसी गमले में लगा अंदर डाल दूँगा। तो चले, मैं इसको किचन वेस्ट को इसमें डाल देता हूँ। ये इस प्रकार किचन वेस्ट को भर लें, धीरे धीरे ये कंपोस्ट के रूप में काम करेगी और हमें अच्छे खाद देगी। तो इसको चले हम इसमें ग्रो बैग में डाल लेते हैं। तो देखें, हमने इसको अंदर घास को यानी खर खतवार यानी किचन जितना हमारा वेस्ट था सब इसमें हमने डाल दिया है ग्रो बैग में। अब इसमें क्या करेंगे, जो हमने मिट्टी तैयार की है अब इसको हम डालेंगे यहाँ पे। तो चलें, मिट्टी को डालते हैं। ये हमारी मिट्टी भी तैयार हो गई है, अब इसको हम डाल लेते हैं। इस प्रकार दोस्तों, ये जब तक हमारी गाजर तैयार होती रहेगी और नीचे से हमारा ये कंपोस्ट बनता रहेगा, और फिर उसी प्लांट को मिलेगी जो हमने इसमें लगाया है, और ये कंपोस्ट बहुत जल्दी हो जाती है क्योंकि पानी इसके नीचे पड़ता रहता है। तो इस प्रकार आप डाल लें। चलिए, हम डाल के फिर इसको वो दिखाते हैं। तो हमने इसमें मिट्टी को पूरी तरीके से भर दिया है। अब इसमें हमें देखना है कि हमारी ये जमेगी कि नहीं जमेगी, या देखें इसमें नमी है तो तभी उगेगा आपका गाजर। तो हम क्या करते हैं, हम पहले इसमें थोड़ा से हल्का पानी का मॉइस्चर बना लेते हैं, क्योंकि इसमें नमी ज़्यादा नहीं है, तो इसमें हम पानी का मॉइस्चर बना लेते हैं। तो आप देखें, पानी इसमें डल गया है। पानी को एकदम सक करने दें, पानी इसका सक गया है तो नीचे चला गया है पूरा। तो देखो, इसमें अब क्या करेंगे हम इसको, अब इसकी हम बीज की बुआई कर लेंगे। देखें, हमारे पास ये बीज है,
अब बीज आप जब लें तो अच्छी क्वालिटी के बीज लें। तो हमने बीज अच्छी क्वालिटी के लिया है, और दोस्तों हमने बीज ज़्यादा ना लेके थोड़ा ही बीज लिया है, तो नर्सरी से हमने थोड़ा सा ही बीज लिया है। तो आप जितनी ज़रूरत हो आप उतना लें, इसका बीज महंगा आता है। तो ये रेड कलर का गाजर है, तो मैं इसे अब बोने चल रहा हूँ। तो ये देखें गाजर का बीज, हमने इसे गाजर का बीज ले लिया है। अब इसे हम क्या करेंगे, हल्का हल्का करें स्प्रिंकल कर देंगे, ऐसे हल्का हल्का करके, ज़्यादा नहीं करना है। जब अगर आपकी गाजर ज़्यादा हो जाएगी तो आप बीच में जब उग जाए तो आप इसे बीच में निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा ये संख्या में हो जाएगी तो ये जमने तो हो जाएगी दोस्तों, लेकिन क्या करेंगे गाजर आपकी मोटाई में नहीं ग्रोथ नहीं करेगी। तो इस प्रकार आप गाजर को ऐसे बो दें। तो अब क्या करना है हमें दोस्तों, हमारे पास देखें ये कोकोपीट है, इसकी एक लेयर कोकोपीट की हमें इसमें डालना है, ताकि हमारी गाजर ये कवर हो जाए, ज़्यादा नहीं ढकना है। कोकोपीट से करने से मतलब होता है दोस्तों कि ये जल्दी जर्मिनेट हो जाएगी, यानी इस पर मिट्टी का दबाव नहीं रहेगा, क्योंकि गाजर का बीज बहुत हल्का होता है। तो ये हमने गाजर को लगा दिया और कोकोपीट से इसको कवर कर दिया दोस्तों। अब क्या करना है आपको, आप चाहें तो इसको ऊपर से या कवर कर सकते हैं जूट की बोरी से, या फिर अखबार या पेपर से इससे कर सकते हैं, या तो जो धान का पुआल होता है उससे भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसको कवर कर देंगे तो इसका जर्मिनेट जल्दी होगा, क्योंकि इसमें तेज़ धूप नहीं पड़नी चाहिए जब तक ये जर्मिनेट नहीं हो जाएगा। तो दोस्तों गाजर देखें, ये एक महीने की गाजर हो गई है, और कितनी अच्छी इसमें ग्रोथ चल रही है। तो ये गाजर इसमें काफ़ी अधिक मात्रा में जर्मिनेशन हो गया है, तो इसमें हम कुछ निकाल भी सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा मात्रा होने से गाजर हमारी ठीक से लगेगी नहीं, क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा करके इसमें आप निकाल सकते हैं। देखें ये ग्रो बैग में लगा हुआ है, बीच बीच में आप इसको निकाल दें इस तरीके से, आप इस तरीके से निकाल सकते हैं गाजर को। तो इस तरीके से आप गमले में अच्छे तरीके से गाजर उगा सकते हैं, और देखो कितनी अच्छी गाजर हुई है। तो थोड़ा से इसका और फैलाव जगह और लें, थोड़ा से बड़े साइज़ का अगर डायमीटर इसका लें तो बहुत अच्छे तरीके से इसमें गाजर होगी। तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके इसमें निकाल देंगे, कितनी अच्छी तरीके से ये गाजर निकली। देखें ये दिखा रहा हूँ, देखें ये वो गाजर इसमें अच्छी लगेगी। जो आप बारीक से जो मतलब जो पौधे आपके मजबूत ना लगें तो आप इसको निकाल सकते हैं इसमें से। तो हम इसमें से थोड़ा थोड़ा करके निकाल देंगे जो, देखिए ऐसे ऐसे आप निकाल दें। तो देखें ये एक महीने का रिजल्ट कितना बढ़िया ये गाजर उगी दोस्तों। इस तरीके से आप अपने ग्रो बैग में उगा सकते हैं। हम इसमें जो है बीच बीच में करके निकालेंगे, तो आप इस तरीके से ग्रो बैग में उगाएं गाजर को, और इसको बहुत जल्दी इसमें गाजर बनना स्टार्ट हो जाएगी। करीब ये 3 से 4 महीना इसमें लगेगा। अब ये पौधा मजबूती के तरीके से अपने आप खड़ा हो गया है, तो हम इसमें बीच बीच में निकाल देंगे जिसे इसके निकाले हुए हैं। तो इस तरीके से आप बीच बीच में खाली कर दें जगह को, थोड़ा से अगर जगह मिलेगी तो हमारी गाजर अच्छी से मोटाई इसकी बढ़ेगी। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान देना है आपको, क्योंकि इसमें गाजर का बीज ज़्यादा पड़ गया था। तो इस तरीके से आप ध्यान देंगे तो अच्छे तरीके से आप गाजर अपने टेरेस गार्डन पे उगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो मेरा अगर पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। दोस्तों अगर कोई
आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई में जवाब भी आपको देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।